बच्चे को अपहरण करने वाली गिरफ्तार। मऊ जनपद के दक्षिण टोला छाना क्षेत्र के दसई पोखरा से 19 अक्टूबर दशहरा मेला के दौरान एक ढाई वर्ष के बच्चे को महिला ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद थाने में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की मदद से बच्चों को बरामद कर लिया और अपहरण करने वाली महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले पर पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए सीओ सिटी राजकुमार ने बताया कि 19 अक्टूबर दशहरा पर्व के दिन दसई पोखरा स्थित रामलीला मेले के दौरान रिंकू यादव का ढाई वर्षीय पुत्र विवेक यादव को किसी ने अपहरण कर लिया था, जिसका मामला परिजनों ने थाने में दर्ज कराया। पुलिस भी अपहरण का मामला दर्ज कराकर बच्चे की तलाश करने में जुट गई थी। सोमवार को पुलिस ने बच्चे को सरायल खनसी थाने के कंदेरी कासीराम आवास से बरामद कर लिया है। साथ ही अपहरण करने वाली महिला पूजा देवी को भी गिरफ्तार कर लिया। अपहरण करने वाली महिला बच्चे को बेचने के फिराक में थी। वह घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। वह किस व्यक्ति या गैंग को बेचने वाली थी, इस बात की जानकारी की जा रही है। वहीं बच्चा मिल जाने के बाद परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। थाने में सैकड़ों की संख्या में लोग बच्चा अपहरण करने वाली महिला और बच्चों को देखने के लिए उमल पड़े। दशहरे के दिन? अच्छा, तो कहाँ से मिला आप लोग? खोन बीन गए तो क्या हुआ? सर, हम लोग जब बच्चा खोए तो हम लोग यहाँ से अलाउ करवाए, सारा मेरा बच्चों के बोले कि हमारा छोटा सा बच्चा खोया है, फिर जगह जगह पर अलाउ करवाए, जगह जगह पर अलाउ कराए, पर वहाँ पर कुछ नहीं पता चला। तीन चार दिन से तीन निकल गए पर सभी घूमते रहे। पुलिस खोजी है आपके बच्चे को? हाँ बताइए, आप क्या? हम बच्चे के पिता। हाँ हम लोग देखिए, विजयादशमी का मेला चल रहा था दसई पोखरा पे, यहीं के निवासी हैं रिंकू यादव। इनका पुत्र है ढाई महीने का, ढाई साल का है विवेक यादव, और ये 19-10 को लगभग शाम 6 बजे घर से गायब हो गया। घर वालों ने खोजा, जब नहीं मिला तो रामलीला कमेटी और बच्चे के पिता ने थाना दक्षिण टोला पर यह सूचना दिया, जिस संबंध में एक FIR पंजीकृत